कल मुख्यमंत्री मोहन यादव और दो उप मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की गई थी। सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही दो बड़े फैसले लिए, जिस पर मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने खुशी जताई है। उन्होंने पहला फैसला किया कि खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती लगाई जाएगी और दूसरा ये कि धार्मिक स्थानों पर जोर से लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई होगी। उमा भारती ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार के मुखिया श्री मोहन यादव जी की कैबिनेट ने कल जो दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए, खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती तथा धार्मिक स्थानों पर जोर से बजते हुए लाउडस्पीकर पर रोक, दोनों समस्याएं सामान्य जनजीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। उन पर नियंत्रित प्रतिबंध लगाकर नई सरकार ने अपनी मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है। नए मुख्यमंत्री जी एवं उनकी कैबिनेट का अभिनंदन।